जी हाँ, जिसका इंतजार सभी करते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े, सभी को रहता है इंतजार, वह है रामलीला। तो हम आपको बताते हैं, द्वारका रामलीला महोत्सव शुरू हो चुका है। द्वारका के सेक्टर 11 दशहरा ग्राउंड में हम आपको दिखाते पहले दिन की रामलीला के कुछ झलक। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे आप लोग, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जगत को पवित्र करने वाले और देवताओं के लिए कल्याणकारी और दैत्यों को मोहित करने वाली है, परंतु मन नारायण 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 एक नाव बनाई से डाली सागर में माया की शक्तियों से पता लगा
पृथ्वी पर निकल आए हैं। महर्षि नारद हिमालय में तपस्या करके हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं, असंभव। कुछ ना कुछ तो रचना ही होगा। बाणों से नारद जी की तपस्या को भंग करता हूं। किस प्रकार से आना होगा? प्रभु, आज ये दास आपके सम्मुख एक नया समाचार लेकर आया है। आपके आशीर्वाद से कामदेव हमारी समाधि को भंग नहीं कर सका और अंत में क्षमा याचना करते हुए हमारे चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, हमने भी उसे सहर्ष क्षमा कर दिया। कहिए, क्या ये हर्ष का समाचार नहीं है? ये सचमुच बहुत ही हर्ष का समय है मुनिवर, कि आपने अति उत्तम किया। प्रभु, अब तो मेरे समान जगत में कोई दूसरा नहीं होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली हो। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बड़े ही ऊंचे लक्षण वाली, बहुत ही सुंदर गुण है इसके। राजन, आप एक कार्य कीजिए, इनके स्वयंवर का प्रबंध करवाइए। जो आज्ञा मिलेगा प्रभु की कृपा हुई तो इसे कोई सुयोग्य वर मिलेगा। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली।